6-7 पॉइंट क्विकली उसमें रोल हम कर लेते हैं, मेरी फ्लाइट भी है, मुझे निकलना भी है, थोड़ा लेट हो गया। सबसे पहली चीज़ तो मैंने कल सेमिनार में भी कही थी कि हमारे अंदर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि शायद स्पोर्ट करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑल यू नीड इज इंडियन, ठीक है, और एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी ज़रूरी नहीं, जस्ट टू लेट यू, सिर्फ इंडियन चाहिए क्योंकि उससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। बाकी हम लोगों ने छोटा काम भी किया हुआ है, छोटे काम से मुराद हमने 50 ग्लव्स भी भेजे हुए हैं, मैंने 100 सीजेस भी भेजी हुई है, कस्टमर वेस्टर्न यूनियन से भी पैसे भेजता है, कस्टमर मनीग्राम से भी पैसे भेज देता है, तो बैंक अकाउंट भी ज़रूरी नहीं। प्लस पाकिस्तान में जो डेफिसिट है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, तो एक्सपोर्ट हमेशा से पुश की जाती है कि जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इशूज़ ज़्यादा आते हैं आपको इम्पोर्ट में कि जब आपको टैरिफ वगैरह इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है। तो एक चीज़ इसमें क्लैरिटी ले लें, इस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना इज़ वेरी इजी, और कराची में तो लिटरली भरमार है प्रोडक्ट्स की, बिकॉज कराची इज़ अ मिनी पाकिस्तान, सब कुछ पहले कराची में आता है फिर पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। तो कराची तो इससे बड़ा बड़ा, आपकी टेक्सटाइल है, आप लेदर है, आप सब लोग एक लिंक लेके sourcing.alibaba.com वहाँ पर जाके आप कराची की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की देखें कि क्या डिमांड है, वहाँ पर आपको RFQs मिल जाएंगी। लेट सपोज के एक प्रोडक्ट के अगर 2000 बंदा RFQ लगा कि मुझे लेदर चाहिए, लेदर प्रोडक्ट्स चाहिए, दैट मीन्स कि वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अब बिजनेस वॉन्ट्स टू सोर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ बिजनेस, वहाँ पर आप ये कह रहे हैं अमेजोन पर रिटेल है और यहाँ पर आपका ये सारा बिजनेस है, ठीक है, होलसेल के ऊपर बल्क ऑर्डर आपके पास रहेगा, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट करना इज नॉट एन इशू। दूसरी चीज़ भी आपको बता दी कि यार डिमांड साइड कैसे चेक करनी है, डिमांड इज प्योरली sourcing.alibaba.com से चेक करें। पाकिस्तान आपको अलीबाबा की लेफ्ट स्क्रीन पे यहाँ पर सप्लायर साइड के ऊपर फिल्टर मिलता है जिसमें आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, पाकिस्तान का सप्लायर देखना है, चाइना का देखना है, कहाँ से देखना है। आप जस्ट पाकिस्तान पे क्लिक करें, आप देखें कि सियालकोट में कि कितना सप्लायर सियालकोट से है, कितने लाहौर से बैठे हैं, कितने कराची से बैठे हैं, एंड दे आर पेइंग $10,000 सब्सक्रिप्शन ईयरली टू अलीबाबा, ठीक है। वेरीफाइड का टैग, आप सब अमेजोन की सोर्सिंग करते हैं ना, उसके साथ वेरीफाइड का टैग होता है, अलीबाबा वो पाकिस्तानियों को दे रहा है, लेकिन वो दे कितने में रहा है, $9,000 सालाना में, उसकी SGS की टीम आके आपको वेरीफाई करती है बकायदा, एंड देन यू गेट द टैग। तीसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि जी लेना कहाँ से है, उसके लिए हम पर्सनल कलेक्शन यूज़ करते हैं, आपकी लोकल मार्केट है। मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग, मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त में कौन कौन सी ये प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मेरी अपनी, मेरे बहुत से दोस्त मुझसे सोर्सिंग करते हैं, ठीक है, जैसे वो ट्रेडर, मैं मैन्युफैक्चरर, उनको ऑर्डर आता है मैं उनको बना के दे देता हूँ, ठीक है। तो आपके अतराफ़ में भी सियालकोट से प्रोडक्ट लेना इज़ नॉट एन इशू। अब हमारा जो अभी अप्रैल में, मार्च में जो यहाँ पर सेमिनार था, तो वहीं पर ऑन स्पॉट दो दोस्तों ने करवाई, एंड दे कम टू मी एक डेढ़ वीक पहले कराची से, तो मैंने उनको पूरी सियालकोट की मार्केट भी विजिट करवाई कि आप क्या क्या सोर्स कर सकते हैं। तो सोर्सिंग पाकिस्तान में रह के मसला नहीं है, कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है कि यार वो जानता है, उसका वो जानता है, फैसलाबाद भरा हुआ है, कराची भरा हुआ है, सियालकोट भरा हुआ है, प्रोडक्ट की आप कह लेंगे अनलिमिटेड उसके अंदर। फीस की इन्वॉल्वमेंट आती है कि पैसे कितने लगेंगे, आपके सिर्फ सब्सक्रिप्शन में पैसे लगेंगे, एंड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम $1,400 सालाना से।